माहौल होगा वैसे ही वोट दे देंगे, किसी को कहते नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना। अपन अपने परिवार से संतुष्ट नहीं होते तो विधायक से कैसे संतुष्ट होंगे? अभी क्या त्रिकोणीय चौकड़ी संघर्ष है, फाइनल नहीं कह सकते हैं कुछ भी। चिट्ठी जाए बेटी दे, एक वोट देना है माने तो। अगर बार बार दो बार जीता हुआ एमएलए है तो उसका विरोध तो होना ही है। तो उसमें अस्थायी मीटर शुल्क का 160 रुपए से बढ़ते बढ़ते 600 रुपए कैसे होगा ये? राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में जब भी विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो राजनीति में एक अलग ही रंगत देखने को मिलती है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्मा नगरी यानी पुष्कर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। वहां हम जानेंगे वहां से जनता के रुझान, जनता का चुनावी मूड। तो चलिए चलते हैं ब्रह्मा नगरी और वहां चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो हम आ पहुंचे हैं पुष्कर विधानसभा सीट के गनेड़ा बस स्टैंड पर, जहां हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल को लेकर क्या चल रहा है। हाँ जी बाबू साहब, क्या नाम है आपका? कुंदन नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार पुष्कर विधानसभा सीट पे, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? कोई मतलब नहीं, मन कोई मतलब नहीं। आपको कोई मतलब नहीं चुनाव से? क्यों? हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? नाथु सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? अभी क्या त्रिकोणीय चौकड़ी संघर्ष है, फाइनल नहीं कह सकते हैं कुछ भी। त्रिकोणीय चौकड़ी वो है तो आप उसमें से किसको वोट करेंगे? वो हम नहीं, हम गुप्त रखे हमारा वोट। अच्छा, गुप्त है, बताओगे नहीं? नहीं बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? आराम। क्या चुनावी माहौल है पुष्कर में? माहौल तो ठीक ही है। ठीक ही है, बढ़िया नहीं है? बढ़िया ही है, चाल रहे जो ठीक है माहौल। तो किसकी सरकार बनवाओगे? सरकार तो आज की बन जाए। वोट किसको करोगे? वोट तो अब जो चिट्ठे जाए बटे दे, एक वोट देना है माने तो। एक भी किसको दोगे? अब यह थोड़ी के बहुत दे जिंदे दे। आपका क्या नाम है? टूलार। अच्छा, आप बताओ यहाँ पे अभी जो जितने विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, उनसे आप संतुष्ट हो? कोई को नहीं। नहीं हो संतुष्ट? क्यों? कौन हमारी इच्छा है? आपको लग हुए नहीं क्या विकास कार्य यहाँ? कुछ भी नहीं हुए क्या? नहीं हुआ। जितने वादे हुए तो उनमें से एक आध भी नहीं हुए? अच्छा, तो फिर आने वाले टाइम में किसको वोट करोगे? अब देखो किसको मिले। अच्छा चलो, किन कामों की उम्मीद करते हो? आप बोल रहे हो कि अभी तक तो कोई विकास कार्य नहीं हुए। आएगा वो कराएगी तो कराए, काम कौन करावे हमारे मन। क्या नाम है सर आपका? श्रवण लाल। अच्छा, सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए गए थे, उन वादों में वादा खिलाफी हुई है या वो वादे पूरे हुए हैं? ऐसा ही है मैडम, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए, अब हो जाएंगे। कुछ हुए हैं, एक दो बताइए। वो है जैसे तबारा बनाया, ये भी बनाया इसी टाइम, टंकी बनी है पानी की, और भी होते हैं। फायदा पहुंचा आपको? फायदा ही है। किसको वोट करोगे? अब ये नहीं कहूँगा किसको वोट, ये नहीं बताओगे। विकास को करोगे या किसको करोगे? माहौल होगा वैसे ही वोट दे देंगे, किसी को कहते नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना। फिर भी कोई एकाद विकास कार्य हुए हो? वोट गोपनीय है। गोपनीय है, नहीं बताओगे? नहीं। क्या नाम है आपका? आप बताओ यहाँ पे पुष्कर में जो विकास कार्य हुए हैं उनसे संतुष्ट है आप? मैडम विकास कार्य तो काफी कम भी हुए हैं, संतुष्ट भी है, क्योंकि इस बार हमारी सरकार नहीं थी इस कारण विकास तो कम हुई है, उसमें कोई दोहराई नहीं। अच्छा, तो किसको वोट करोगे, किसकी सरकार लाओगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी सरकार लाएंगे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण बैठ रहा है, बीजेपी सरकार आएगी धड़ल्ले के साथ, बिल्कुल आएगी। और आने वाले समय में किन कार्यों की उम्मीद करते हो? हमारे पुष्कर क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य एक ही खेल मैदान का, हमारे इधर खेल मैदान है तो हमारा सबसे बड़ा फोकस खेल मैदान के लिए है, और हमारे युवा पुष्कर के आसपास वो सारे खेल मैदान के लिए तरस रहे हैं। तो जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम एमएलए साहब को बोलकर हमारा खेल मैदान बनवाएंगे सबसे पहले। तो एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर देते हो एमएलए को? मैडम हम तो अच्छे देते, हमारे तो काम हुई है सबके, और सारे काम कर नहीं सकता, पर्सनल सबके काम होते नहीं है, इस चीज़ को आप भी जानते हो भली बात। यहाँ की जातिगत समीकरण की बात करें तो किस जाति का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है? राहुल जाति का ज़्यादा प्रभाव रहता है इधर, उसमें कोई दोराई नहीं है। और मतलब चुनावी माहौल को लेकर क्या कहना चाहोगे? चुनावी माहौल अच्छा चल रहा है, बीजेपी की लेट चल रही है, और बाकी सब में होते हैं कंपटीशन तो सब में होते हैं। अगर बार बार दो बार जीता हुआ एमएलए है तो उसका विरोध तो होना ही है। अपन अपने परिवार से संतुष्ट नहीं होते तो विधायक से कैसे संतुष्ट होंगे?
फर्क होता है ना सर परिवार में विधायक में। फर्क कैसे होता है मैडम बताओ आप मेरे को। जब विधायक की जब बात आती है तो आप उनसे आने वाले कामों में उम्मीद भी करते हो। करते हैं लेकिन मैडम 100 काम उनको अपन बताते हैं, उनमें से अगर वो 99 करते एक छूट गया तो वो 100 काम 99 काम बिल्कुल वर्जी हो गए। ये है जनता का विश्वास। उस एक काम को गिनोगे जो नहीं हुआ है 99 में को नहीं। ये जनता है अभी, वो सारे काम तो हो नहीं सकते। कुछ मुद्दे अच्छुते रह जाते हैं और कुछ मुद्दे पूरे हो जाते हैं। सारे मुद्दे तो होंगे नहीं और सारे काम होंगे नहीं। अपन ही बड़ी आशा से जी रहे हैं लेकिन सारी जिंदगी तो नहीं जी पाएंगे ढंग से। फिर भी सारे में से किसकी उम्मीद करते हो कि भाई बहुत कुछ दो काम बताओ जो बहुत होना जरूरी है। सबसे बड़ा तो खेल मैदान है हमारे लिए, तो खेल मैदान होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे युवा काफ़ी तरह से काफ़ी ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं हमारे इस बार, तो सारे खिलाड़ियों का एक ही मुद्दा होता है हमारे पास अच्छा खेल मैदान है इसलिए हम हार जाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह चौहान। क्या करते हो? मैं तो अभी कोई काम तो नहीं करता लेकिन पूर्व सरपंच भी हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, पूर्व सरपंच के तौर पर बताइए आपके यहाँ पुष्कर विधानसभा सीट में क्या विकास कार्य हुए हैं, जनता को राहत मिली है या नहीं हुई मिली है, या जनता के सपने पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं? ऐसा है मैडम, जैसे विधानसभा हमारा जो पुष्कर क्षेत्र है इसमें 220 करीबन गाँव हैं और आप और हम सभी समझते हैं कि एक विधायक सारे गाँवों में तो घूमने से रहा, फिर भी जिस सुरेश सिंह जी यहाँ आते रहे हमारे गाँव में और उन्होंने जैसे जनता उनके पास पहुंचती तो और भी काम मिलते, लेकिन जैसे ये बरामदा है टंकी का, उन जो टंकी बनी हुई है वो है, इधर खेल मैदान है, इसकी चारदीवारी में भी उनका सहयोग रहा है, हमारे राजपूतों के शमशान घाट पे वहाँ टीन सेट कार वो विधायक मत से ही है। मतलब आपके हिसाब से उन्होंने विकास कार्य करवाए? जी जी, विकास कार्य तो करवाए सुरेश सिंह जी ने। अब आप भी जानते हो कि कुछ लोगों की राजनीतिक रंजिश भी होती है, अब जैसे यहाँ आए वो कभी तो यहाँ जो सरपंच है सरपंच के वहीं तो पहुँचेगा कोई जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है। अब कोई कहे कि मेरे घर पर नहीं आए तो एक विधायक हर मतदाता के घर पर तो जाने से रहा, जैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में आया तो जनता को अगर अपने क्षेत्र में काम करवाने तो विधायक जिसके वहाँ अनुशंसा लेकर जाएं। अच्छा चलो, उनके MLA को आप उनके रिपोर्ट कार्ड में के लिए कितने नंबर देते हो 10 में से? यहाँ के विधायक को मेरी तरफ से 80 से ऊपर। 80% सौ क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे भी तो खड़े हैं ना, कुछ वो भी लेके जाएंगे, जनता सब तरह की है, अच्छे कामों को भी नकार देती है कई बार। लेकिन जब आप बोल रहे हो दूसरे वो भी खड़े हैं तो आप किसकी साइड हो? देखो हम तो जो विकास का काम करवाता है उसको पसंद करते हैं। मैंने जब सरपंच पद पर था सन 2000 से 2005 तक, तब मैंने विकास के कार्य ही करवाए, तो मैं तो विकास के काम जो करवाता है उसको ही पसंद करता हूँ। आपके हिसाब से आने वाले समय में कोई दो काम बता दो जो होने चाहिए पुष्कर विधानसभा में, जिनकी सख्त जरूरत है अभी पुष्कर विधानसभा में? बहुत बड़ा एक काम तो है पुष्कर का ही, जो पुष्कर सरोवर है जिसका धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, उसमें सीवरेज का, वो बरसात का गंदा पानी जो आता है, अभी तक उसका कोई भी नहीं तो विधायक या जैसे ऊपर से भी पैसा आया है, मान लो वो कौन सी जवाहरलाल नेहरू अर्बन ऐसा कुछ एक वो उसकी तरफ से भी रुपए आए लेकिन समाधान नहीं हुआ अभी तक। दूसरा तो अभी हमारे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली बार बार में कटती है और बिजली के बिल बढ़ चढ़ कर आते हैं। जैसे मेरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, मेरे बिजली के बिल में जैसे स्थायी शुल्क, मीटर का स्थायी शुल्क, जैसे अपन कहते हैं कि स्थायी सदस्य जो हैं यूनाइटेड नेशन में, तो वो स्थायी 5 देश हैं, एक होता है अस्थायी, तो उसमें अस्थायी मीटर शुल्क का 160 रुपये से बढ़ते बढ़ते 600 रुपये कैसे हो गए? ये भाई बिजली खर्च कर रहा है वो तो अलग है, चलो उसका तो वो भुगतान पैसा देगा, लेकिन जिसका स्थायी शुल्क है वो तो अस्थायी। बिजली की समस्या का निवारण चाहते हो आप? बिल्कुल चाहते हैं, हमारे किसान भाई भी परेशान है, बार बार में ट्रिप होती है तो वो सही ढंग से पानी भी नहीं पिला पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह है। अच्छा, यहाँ पे सत्ता में आने से पहले जिन मुद्दों को लेकर दावा किया गया था वो मुद्दे पूरे हुए? संभावना भी नहीं है। क्यों? कोई नई सरकार आएगी तभी होगी। तो किसको वोट करोगे? मेरी इच्छा है जिसको करूंगा आपको बोलूंगा। किसकी सरकार बनाना चाहते हो? अपना बना लेंगे, सब जनता बना लेगी, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जनता से ही बनती है सरकार तो। पर वोट तो करोगे ना? तो करेंगे वोट तो। अच्छा चलो, कोई दो विकास कार्य बताओ कि जिनके आप उम्मीद करते हो। मैं हाल था पहले ये रोड देख के हो गई पहली बात, तो पहला विकास सही है, दूर तीसरा दूसरा विकास है लाइट का, जो कभी आँख मिचोली करती है पता नहीं देती है, तीसरा पानी का, आज पानी आ गया तो 5 दिन बाद में आ गया, 6 दिन आ गया खा लिया जाए, और बोलो पानी की समस्या है, सभी समस्या है। यहाँ से जाओ जो गाड़ी ऐसे करेगी डांस, डिस्को डांस करेगी गाड़ी, रोड पर जाके देखो रोड। सरकार से गुहार लगाते हो इन कामों की?
किस किस को बोले, जिसको बोले जो बोल दिया हाँ कराएंगे हाँ कराएंगे, मीठी गोली देके चले जाएंगे वापस। मतलब सब मीठी गोली देके चले जाते हैं, झूठे दावे करके चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर किससे वो गुहार लगाना चाहते हो कि भाई जो आपके कामों को धरातल पर उतारे? अब आएगा कोई, आएगा तो फिर ऐसा कोई सारा बरोबर तो है नहीं, कोई तो आएगा। तो आज हमने ब्रह्मा नगरी पुष्कर विधानसभा में जनता का मूड जाना, जनता के चुनावी रुझान जाने, जनता से लगातार हमने सवाल जवाब बटोरे, सवाल भी किए जवाब भी मिला, लेकिन जनता के मूड से कहीं ना कहीं लगा कि जनता खुश तो है मगर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस पार्टी का विधायक आता है और जनता की समस्याओं का हल कर पाता है या नहीं। क्योंकि देखिए, प्रदेश में पहले ये होता था कि पहले जनता के पास बीजेपी या कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस के अलावा और भी कई पार्टियां हैं जिनको जनता चुन सकती है। द नगरी न्यूज़ के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में ब्रह्मा नगरी पुष्कर से फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में फिर बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।